नमस्कार, मैं हूं रविंद्र सिंह उमट और आप देख रहे हो मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव 2023 नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे चुनावी हलचल भी तेज हो रही है। आज हमारे साथ में खास बातचीत करने के लिए मौजूद है डॉक्टर रमेश देवासी। रमेश जी, रानीबाड़ा में आज होली सम्मेलन समारोह का आयोजन था, आपने संबोधन दिया और आपने खुले मन से आज कहा कि मैं रानीबाड़ा विधानसभा क्षेत्र से इस बार कांग्रेस पार्टी की दावेदारी कर रहा हूं और पार्टी ने टिकट दिया तो मैं चुनाव लड़ूंगा। क्या कहूंगे इस पूरे मुद्दे? आज रानीबाड़ा के ब्लॉक पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष जी ने होली सम्मेलन का कार्यक्रम रखा था, उस सम्मेलन में मैं गया था। उस सम्मेलन में मैंने सार्वजनिक मंच से कहा है कि मैं रानीवाड़ा का स्थानीय निवासी हूँ, रानीवाड़ा का रहने वाला, और पिछले 15 साल से लोगों के सुख दुख में भागीदार हूँ, लोगों में जाना आना है। और मैं चाहता हूँ, क्योंकि अब विधानसभा का बिल्कुल बज गया है, तो मेरा भी मन है कि मैं 2023 के रानीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से अपना भाग्य आजमाना चाहता हूँ और जनता से अपील भी की है कि यदि आपको उचित लगे तो आप मेरा समर्थन करें। इसी आशा के साथ मैं आज होली के सम्मेलन में हुआ था और आज ही कहा है, मैंने सार्वजनिक मंच से कहा है कि मैं 2023 का विधानसभा चुनाव लड़ना चाहता हूँ और पार्टी से मैं डिमांड करूँगा। रमेश जी, 2018 के जब विधानसभा चुनाव थे तो मैं भी कई बार जयपुर आता था, तो आप सीएम हाउस के बाहर मिलते रहते थे मुख्यमंत्री गहलोत, उस समय पूर्व मुख्यमंत्री थे, तो उनके निवास पर आप अधिकतर वहीं रहते, मतलब आपसे मिलना जुलना होता रहता था। तो उस समय भी क्या कांग्रेस पार्टी से आपने टिकट मांगा था 2018 में? बिल्कुल, हमारा परिवार परंपरागत रूप से कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ है और आज़ादी के बाद से जुड़ा हुआ है, आज से नहीं। 2018 में भी हमने विधानसभा टिकट मांगा था, कुछ परिस्थितियों वश हमें नहीं मिला, तो जिनको भी टिकट मिला उनके साथ हम रहे, उनको जीत नसीब नहीं हुई, लेकिन हमने हमारा पूरा ईमानदारी से सहयोग दिया और आगे भी हम टिकट मांग रहे हैं। सबका अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, सब मांग रहे हैं। जो भी टिकट लेके आएगा उनके साथ रहेंगे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि मैं खुद मेरा दावा करूं और दावा जबरदस्त मजबूत करूंगा। और जो पूर्व प्रत्याशी थे हमारे रतन देवासी जी, उन्होंने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा है, तो मेरा ऐसा मानना है कि पार्टी उनको वापस लोकसभा चुनाव लड़ाएगी। और मैं तो रतन जी से भी कहता हूँ इस विशेष कि वो लोकसभा लड़े और हमारे जैसे दूसरे कार्यकर्ताओं को मौका दे तो हम आपका सहयोग करेंगे। रमेश जी, इस पूरे चुनावी सिलसिले में एक सवाल ये आता है कि इस बार का जो बजट था वो ऐतिहासिक बजट था और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और नेता ये कह रहे हैं कि ये जो बजट है वो एक चुनावी बजट है, क्या कहूँगे? बजट बहुत ऐतिहासिक है। इस बजट में माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने ऐसा कोई वर्ग नहीं छोड़ा जिसका ध्यान नहीं रखा है। जैसे बात करें शिक्षा के क्षेत्र में, तो पहले एक सपना होता था कि अंग्रेजी माध्यम के स्कूल भी कभी होते थे 500 किलोमीटर 100 किलोमीटर, लेकिन अब हर ग्राम पंचायत में अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोल दिया गया है। 25 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा हर आम नागरिक को दिया गया है, आप किसी भी प्रकार की दिक्कत हो 25 लाख का बीमा दिया। सभी तरह की रोडें बन रही है, पानी मुख्य मुद्दा था नर्मदा का पानी लगभग पहुंच चुका है और काम युद्ध स्तर पर चल रहा है, तो बजट बहुत ऐतिहासिक है। और मुख्यमंत्री जी ने शायद बजट की मीटिंग भी ले ली है कि 1 अप्रैल से जो वित्तीय वर्ष चालू हो रहा है उसमें बजट का क्रियान्वयन कैसे करा है उसके लेकर मीटिंग ले गई है, और उस मीटिंग के नोट्स और उस मीटिंग की प्रक्रिया भी आ गई है और वो काम चालू हो गया है, और मेरा मानना है कि काम जल्दी होगा और लोगों का इस योजनाओं का सभी कामों का उसका फायदा मिलेगा। रानीबाड़ा को क्या मिला इस बजट में? रानीवाड़ा को नगर पालिका मिली, रानीवाड़ा को औद्योगिक सेक्टर इको मिला, रानीवाड़ा में कॉलेज मिली पिछले बजट में, रानीवाड़ा में कृषि मंडी मिली, रानीवाड़ा में भी सभी रोडें बन रही हैं और आगे भी अब कोशिश करेंगे जैसे जैसे बजट और कुछ सरकार बनने की संभावना ज़्यादा है आगे भविष्य में और करेंगे। लगभग सभी रोडें बन गई हैं, लगभग सभी काम चालू हो गए हैं और थोड़ा बहुत पेंडिंग है तो वो इस बजट में घोषणा हो गई है, और मांग करेंगे आगे कोई कमी रहेगी तो और आगे घोषणाएं होगी तो उसमें मांग करेंगे मिलके। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो कह रहे हैं घोषणा करने काम तो करो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, गहलोत साहब ने बहुत दिल से बजट दिया है, लोगों के लिए दिया है, वो गांधीवादी विचारधारा के आदमी है, वो आम जन को ध्यान रखते हुए गरीब की झोंपड़ी तक योजना कैसे पहुंचे उसी तरह योजनाएं बना रहे हैं और उसका क्रियान्वयन भी उसी तरह कर रहे हैं जिससे सभी लोगों को आम जन तक योजनाएं पहुंचेगी, ये मेरा विश्वास है जरूर पहुंचेगी योजना सभी पहुंचेगी। वापस अपन राजनीति के सवाल पर आते हैं, कांग्रेस पार्टी डॉक्टर रमेश देवासी पर विचार क्यों करेगी, टिकट क्यों देगी, क्या काबिलियत है? मैं 15-20 साल से रेगुलर समाज सेवा के साथ साथ जो मेरा मेडिकल का पैसा है उसमें लोगों की सेवा करता हूँ, सहायता करता हूँ, और मेरा परिवार और मेरे सब आसपास के लोग आज़ादी के बाद से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि एक आम कार्यकर्ता को कांग्रेस मौका दे जो जमीन से जुड़ा हुआ,
झोपड़ी से जुड़ा हुआ हो, गरीब के घर में पैदा होकर संघर्ष करके आगे बढ़ा हो, ऐसे लोगों को मौका देगी तो जरूर रहने वाले की आम जनता तन मन धन से मेरे साथ रहेगी और मुझे जरूर ये चुनाव में फायदा देगी। रतन जी भी ये तो वापस मेहनत करनी स्टार्ट कर दी है। बिल्कुल रतन जी करें मेहनत, उनका भी अधिकार है। 2018 में उन्होंने चुनाव लड़ा है, 2019 में उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा है, तो मैं ये मानता हूँ कि पार्टी इतना सोचेगी कि 2019 में लोकसभा लड़ा है तो मैं भविष्य में चाहता हूँ कि भाई रतन जी लोकसभा लड़े। मजबूत कैंडिडेट हैं, बड़े भी हैं, बड़े भाई हैं, बड़े भाई छोटों पर दया करें, छोटों पर रहम करें और छोटों पर हाथ रखें कि मैं लोकसभा लड़ूंगा, आप विधानसभा लड़िए, मिलकर लड़ेंगे सब, एक दूसरे का सहयोग करेंगे और उनसे आशा है वो बड़े हैं तो मेरा सहयोग करेंगे जरूर। रानीगढ़ विधानसभा क्षेत्र में देवासी समाज के वोट ज्यादा और आप भी देवासी समाज से आते हैं, तो देवासी समाज के लिए आप क्या संदेश देना चाहूंगे? देवासी समाज चुनाव से ठीक पहले देवासी समाज को ये संदेश है, छत्तीस कौम को ये संदेश है, आपस में गाँव में प्यार से, मोहब्बत से, प्यार से, भाईचारे से, दूसरे से एक दूसरे से नफरत नहीं करे। राजनीतिक आती रहेगी जाती रहेगी, चुनाव होते रहेंगे, लेकिन हमें साथ रहना है और छत्तीस कौम के लोगों के साथ समय से रहें, ये मेरा मुख्य संदेश ही है, हर जाति को ये संदेश रहने वाला है। तो ये थे हमारे साथ में आज खास बातचीत करने के लिए डॉक्टर रमेश देवासी, जिनके साथ में आज पूरी बातचीत हुई। अगले हमारे एपिसोड में हम नए शख्सियत से आपसे रूबरू करवाएंगे। मुझे दीजिए इजाज़त।